फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.6 सेंटीमीटर की और इसको 5:8 में डिवाइड करना है और इसके दोनों पार्ट का मेज़र करना है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर की ए बी लाइन ड्रॉ कर ले, 7.6 सॉरी। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गए। अब आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल ड्रॉ कर ले। अब यहाँ पे 5:8 है तो 8 बड़ा है तो 8 आर्क इस पे काटने हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड आर्क, ये थर्ड, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इस पॉइंट को आप एक्स नाम दे दो, इनके नेम दे दो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट। अब ऊपर एक और एक्यूट एंगल सेम आर्क का, यहाँ से आप आर्क मेज़र कर लीजिए। सेम पहले यार यहाँ से बी पॉइंट से ये सेम आर्क ड्रॉ कर दीजिए, फिर इसकी लेंथ मेज़र कर लीजिए। आप कंपास को उतना ओपन करके यहाँ एक आर्क काट दीजिए। ये आपका एंगल हो गया। अब इसको, अब नीचे जितने आपने आर्क ली थी रेडियस, उतनी रेडियस से ऊपर भी आर्क काट दीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पाँच ही काटने क्योंकि 5:8 है। अब इनके भी नेम दे दिए, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर एंड बी फाइव, इसको बी एक्स नाम। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ बी फाइव से बी एट को ज्वाइन करा देना। यहाँ आपकी लाइन डिवाइड हो गई 5:8। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम ना लगे इसलिए मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 7.6 सेंटीमीटर। स्टेप टू, ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। ड्रॉ ए रे बी वाई पैरेलल टू ए एक्स बाय मेकिंग एंगल ए बी वाई इक्वल टू एंगल बी एक्स। स्टेप फोर, लोकेट द पॉइंट ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, एम इक्वल टू फाइव ऑन ए एक्स एंड बी टू बी, बी वन टू बी एट, एन इक्वल टू एट ऑन बी वाई सच दैट ए वन, ए वन, ए टू, ए टू, ए थ्री, ए थ्री, ए फोर, ए फोर, ए फाइव, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, ऐसे आपको लिख लेना है। फिर लास्ट में स्टेप फाइव में जॉइन ए फाइव ए एट, लेट इट इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी, देन ए बी रेशियो बी पी इक्वल टू 5:8। ये आपकी क्वेश्चन हो गया है और इसमें मेज़र भी पूछा है, तो मेज़र मैं बता रहा हूँ इसकी 4.9 सेंटीमीटर हो गई और इसकी 2.7 सेंटीमीटर। ये मेज़र आप लिख देना, 4.9 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।